नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, मैं हूं अजय मिश्रा। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र। आपको बताएंगे बाजारों का हाल और देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, उसके मोर्चे पर कौन सी अच्छी खबर, डालेंगे नज़र। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप लाइन्स। दिसंबर तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा GDP के 1.2% के स्तर पर पहुंचा। अप्रैल से दिसंबर तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $33 बिलियन के स्तर पर, RBI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही भारत के लिए अपने GDP अनुमान में किया संशोधन। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP विकास दर का अनुमान बढ़ाया 6.8% का अनुमान। विप्रो और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक का ज्वाइंट वेंचर मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए 8,000 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी में। हेल्थ केयर सेक्टर में अब सीटी स्कैन मशीन्स और MR ब्रेस्ट कॉयल की होगी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, कल कारोबार के आखिर में लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जिन पर हमारी निगाह रहेगी। और हम आज के फोकस में चालू खाते घाटे, खासतौर पर व्यापार घाटे और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में जो बढ़त है उस पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए देश की ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज ने भारत की ग्रोथ को लेकर के अपने अनुमानों में संशोधन किया है। अब रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने अगले वित्त वर्ष के लिए यानी 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ा दिया है, 6.8% किया है। अमेरिका में ये एजेंसी है जिसने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच साल 2024-25 में 6.4% का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। S&P ने एशिया प्रशांत के लिए अपने इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया और कहा कि एशियाई उभरती बाजार यानी जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, उन सभी में औसतन वृद्धि दर होगी, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अग्रणी है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़े पैमाने पर घरेलू मांग आधारित अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू खर्च करने की क्षमता और उच्च ब्याज दरों और महंगाई दर के प्रभाव ने दूसरी छमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम किया है। S&P ग्लोबल को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में खुदरा महंगाई दर और गिरेगी और यह औसतन 4.5% हो सकती है। वित्त वर्ष 26-27 के लिए अनुमान 7% का बरकरार रखा गया। और अब देखते हैं बाजारों की शुरुआत कैसे हुई। गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह क्या संकेत मिलने शुरू हुए थे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त गिफ्ट निफ्टी, और आपको बताएंगे भारतीय बाजारों में आज की ओपनिंग कैसे हुई है। 23 अंक ऊपर की बढ़त के साथ 22,090 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया। और उम्मीद के मुताबिक सेंसेक्स की ओपनिंग 215 अंक ऊपर 72,686 के स्तर पर हुई है। इसी तरह से निफ्टी में भी 72 अंकों का उछाल देखा गया, 22,076 का स्तर देखा गया आज के शुरुआती कारोबार में निफ्टी में। टॉप गेनर्स, अदानी पोर्ट 1.4% ऊपर, BPCL 1.4%, रिलायंस 1%, अपोलो हॉस्पिटल और हिंडालको में भी बढ़त का सिलसिला जारी है। इस वक्त बाजारों में तेजी और भी बढ़ गई है। फिलहाल निफ्टी 107 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और आपने देखा कि 72 अंक ऊपर निफ्टी की शुरुआत हुई थी, इसमें तेजी और आगे। टॉप लूजर्स की तरफ चलें, इसमें UPL, ब्रिटानिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड डॉक्टर रेड्डीज शामिल हैं। UPL में करीब 0.5%, टाटा कंज्यूमर में भी 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स, मिलाजुला असर अमेरिकी बाजारों में देखा गया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 128 अंक ऊपर, S&P 500 और नैस्टैक में गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह से अगर हम यूरोपीय बाजारों पर निगाह डालें तो लंदन के FTSE स्टॉक में 13 अंकों की बढ़त, CAC फ्रांस 33 अंक और जर्मनी का डैक्स 123 अंक की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। यह कल की बंदी के आंकड़े हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। शेयर बाजारों में किस तरह का रुख है वो आपको दिखाते हैं। जापान के बाजार निकी 225 में 406, जापान के जो मार्केट्स हैं वो लगातार बढ़ रहा, आपको याद होगा 40,000 का आंकड़ा बीते दिनों पार हुआ था, भी 40,804 का स्तर दिखाई दे रहा है आज के कारोबार में। हैंगशेंग, हांगकांग का हैंगशेंग और साउथ कोरिया का कॉस्पी इस वक्त थोड़ी से नेगेटिव बायस के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइस की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेंट क्रूड के भाव आपकी स्क्रीन पर $85 प्रति बैरल के स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी कमी अंतर्राष्ट्रीय
मार्केट्स में दिखाई दे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस, और आज का फोकस देश के स्टेट ऑफ द इकॉनमी। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटी रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, और अब बात करते हैं आज के फोकस की। देश का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर 2023 में कम हुआ है। RBI के ताजा आंकड़े बताते हैं कि व्यापार घाटे में कमी की वजह से यह चालू खाते का घाटा कम हुआ। तीसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा 10.5 बिलियन यानी GDP का 1.2% दर्ज किया गया, जबकि इससे पहले वाली तिमाही यानी दूसरी तिमाही में ये $11.4 बिलियन यानी GDP का 1.3% था। ये देखते हैं। आर्थिक मोर्चे पर RBI के ताजा आंकड़ों में अच्छी खबर आई है। देश के चालू खाते के घाटे में कमी दर्ज हुई है, जिसका मतलब ये है कि देश में विदेशी आयात पर निर्भरता कम हो रही है और निर्यात में इजाफा हो रहा है। जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अधिक होता है तो इसे चालू खाते घाटे की स्थिति कहते हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में चालू खाता घाटा GDP के 1% के स्तर पर आ सकता है। RBI के ताजा आंकड़ों में देश के चालू खाते के घाटे में कमी आई है। 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये घट करके $10.5 अरब पर आ गया। बीते साल अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये $16.6 अरब के स्तर पर था। चालू खाते के घाटे के आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% के स्तर पर दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ये चालू खाता घाटा बीते 2 साल में सबसे कम है। जुलाई सितंबर तिमाही में ये $11.4 अरब के स्तर पर था और बीते साल इसी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में ये $16.8 अरब के स्तर पर था। RBI के मुताबिक सर्विस सेक्टर में भी खासा उत्साह बढ़ाने वाली खबर आई। RBI के ताजा आंकड़ों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सॉफ्टवेयर, बिजनेस और ट्रैवल से जुड़ी सेवाओं में उछाल के कारण देश का सेवा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। रिजर्व बैंक ने बताया कि चालू खाते घाटे में आई उल्लेखनीय गिरावट के पीछे भी सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफी तेजी से बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के तीसरी तिमाही में देश में आने वाले विदेशी मुद्रा भंडार में $6 अरब की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें $11.1 अरब की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में $4.2 अरब का शुद्ध प्रवाह हुआ, जो कि 22-23 की तीसरी तिमाही के $2 अरब के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी $12 अरब को पार कर गया, जो एक साल पहले इसी तिमाही में $4.6 अरब से ज्यादा है। अजय मिश्र, DD News, दिल्ली। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रसेंजित के वासु, जो कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ICICI सिक्योरिटीज के। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवासु। किस तरह से आप देखते हैं इन नंबर्स को? थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं BOP के लिहाज से, बैलेंस एंड पेमेंट के लिहाज से, बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और बावजूद इसके कि प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको
ग्लोबल एक्सपोर्ट्स पे, भारत के एक्सपोर्ट्स बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप जनवरी और फरवरी के नंबर्स पे ध्यान दें तो 7.5% की बढ़ती हुई है हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, गुड्स एक्सपोर्ट्स जिसको कहते हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे अनुमान में इस क्वार्टर जो है जनवरी टू मार्च 24, उसमें हमारे भारत की करंट अकाउंट में सरप्लस होने वाला है, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और गुड्स एक्सपोर्ट्स की भी रिकवरी हो रही है। तो अगर आप पिछले साल के देखें, 2023 साल पूरा साल के करंट अकाउंट अगर आप ध्यान दें जी, तो पूरे साल के कैलेंडर ईयर पे करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.9% ऑफ जीडीपी हुआ था, जिसको कहते हैं 0.9% की करंट अकाउंट डेफिसिट थी। और इस साल अभी तक का जो फर्स्ट करंट अकाउंट हुआ, जो फर्स्ट क्वार्टर 2024 का जो साल हो रहा होगा उस पे मेरे ख्याल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा सारा साल में। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है भारत की इकॉनमी के लिहाज से, और अगर हम बड़ी इकॉनमी से अगर हम तुलना करें, मिसाल के तौर पर यूएस हो गया, चाइना, जापान जो हमसे आगे हैं, उनके करंट अकाउंट डेफिसिट की क्या स्थिति है, थोड़ा हम पर्सपेक्टिव दे पाएंगे अपने दर्शकों को, इसलिए पूछ रहा हूं। तो अगर आप यूएसए पे ध्यान दें तो यूएसए की करंट अकाउंट डेफिसिट होती है करीबन 2-3% ऑफ द जीडीपी। ओके, पर एशिया के जितने अर्थनीति है जैसे जापान, चाइना, इन सब देशों में करंट अकाउंट सरप्लस रहता है, क्योंकि उस देशों में उनके जो करेंसी है, करेंसी को दबा के रखा जाता है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ती हो और इम्पोर्ट्स कम हो। इसके वजह से उनके करंट अकाउंट सरप्लस पे ही रहती है। तो भारत जैसे इकॉनमी के लिए आइडियल स्थिति क्या है, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रेड, आप कह रहे हैं ट्रेड ये सरप्लस हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं जीडीपी के 1% के स्तर पर ठीक ठाक हो सकता है, भारत जैसी इमर्जिंग इकॉनमीज के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है जिसमें प्रेशर भी ना पड़े फॉर उस पर एक्सचेंज रेट पे, अंडू प्रेशर ना पड़े, अगर मैं कहूँ ये है कि करंट अकाउंट, अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द करंट अकाउंट इज नेशनल सेविंग्स माइनस नेशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपके नेशनल सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा, अगर नेशनल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स से ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। तो जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स के करंट अकाउंट थोड़े छोटा डेफिसिट होना चाहिए, करीब 1-2% जीडीपी की अगर हो, 1-2% ऑफ जीडीपी अगर हो तो वो आइडियल होता है, क्योंकि दूसरे देशों के जो डेवलप्ड जो नेशंस हैं वो लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज पे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, और इस जो जो अतिरिक्त जो जो निवेश आ रहा है विदेश से, उससे एक करंट अकाउंट डेफिसिट की जो 1-2% ऑफ जीडीपी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो, दैट इज वेल फाइनेंस्ड बाय इनफ्लोज ऑफ एफडीआई, पोर्टफोलियो इनफ्लोज, ऐसा कुछ। अब तो हमारे देश में भी अगर आप देखिए, हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट से भी ज़्यादा एफडीआई आती है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे सरप्लस है। चलिए अब मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करता हूं, प्रसन्नजीदा, ये सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 5
5% प्लस की बढ़ोतरी हुई। हम लगातार देख आ रहे हैं कि हमारा स्ट्रांग पॉइंट रहा है। जब भी हम गुड्स में थोड़ा सा बेटर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर, ये सर्विस सेक्टर आकर के एक्सपोर्ट्स में हमें बचा लेता है। तो ये स्थिति कब तक होने वाली है और क्या ये सही ट्रेंड है आजकल के कोविड के बाद की स्थिति में? हमने देखा कि जो ट्रैवल है, बैंकिंग है, अदर सर्विसेज हैं, वो रिवाइव करने, वो इकॉनमी के लिए क्या कहानी कह रही है? हाँ, तो अगर आप देखिए, हमारे जो गुड्स ट्रेड के जो डेफिसिट है वो 6.9% GDP की डेफिसिट होता है, पर हमारे सर्विसेज और इनकम सरप्लस 6% GDP का होता है। इसके वजह से तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब हम, दीज आर एरियाज इन विच वी आर हाईली कंपेटिटिव। गुड्स में हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, पर ये इम्पोर्ट करना सकते हैं क्योंकि हमारे सर्विसेज सरप्लस बहुत ज़्यादा है। सर्विसेज और एक चीज़ है कि रिमिटेंस बहुत आता है, रिमिटेंस को कहते हैं इनकम सरप्लस। सो हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेश में जाके काम करते हैं, जैसे कि UAE, USA, ये सब जगह में जाके काम करते हैं और रिमिटेंस भेजते हैं वापस हमारे देश पे। तो ये जो सर्विसेज एंड इनकम सरप्लस जो है हमारा, उस पे 6% GDP का सरप्लस चलता रहता है, और इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर इन अ स्ट्रांग पोजीशन। हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इनकम सरप्लस है जी, और इसके वजह से हम ज्यादा गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। पर अगर हम चाइना या जापान की तरह होना चाहते हैं तो हमारे करेंसी को और दबा के रखना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट 1% ऑफ GDP हो तो कोई खास, हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति, अच्छा स्थिति है जी। और मेरे अनुमान में अगले साल, अगले जो फिस्कल ईयर 25 जो होने वाला है, उस साल में हमारे करंट अकाउंट सरप्लस होगा। चलिए वसुधा, अगर हम FDI पर हम चर्चा, तेल के ब्याज दर कम है ना, इसकी वजह से जी आप कह रहे थे कुछ क्रूड का इंपैक्ट पड़ेगा, थोड़ा उसको भी समझा दीजिए। क्रूड ऑयल, अगर आप देखें क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $90 से कम अगर रहे अगले 12 महीने में, अगर क्रूड ऑयल के प्राइस $90 से कम रहे तो हमारे करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है अगले साल जी। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अब उस पर रिकवरी चल रहा है। पहले 2 महीना जनवरी फरवरी में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, 7.5% ग्रोथ हुई है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, और अगले महीनों में हम इसके और ज़्यादा बढ़ोतरी देखेंगे। और इसके वजह से हमारे जो मर्चेंडाइज डेफिसिट है जी, वो कम होगी, सर्विसेज सरप्लस तो है ही, तो करंट अकाउंट भी सरप्लस में आ जाएंगे। और अगले साल अगर ऐसा ही रहे, एक चीज़ है कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है, क्रूड ऑयल प्राइस इज डाउन प्राइमरली बिकॉज अमेरिकन शेल ऑयल प्रोडक्शन इज पिकिंग अप। सो अमेरिकन शेल ऑयल प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए ओपेक कोशिश कर रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइस को बढ़ाएं, पर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमेरिकन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने वसुंधरा, और इंडिया ने बहुत अच्छा बैलेंस किया है, चाहे वो वेनेजुएला की तरफ शिफ्ट हो भारतीय क्रूड का, या फिर रशियन क्रूड को इंपोर्ट करना हो, इंडिया ने बहुत फाइन बैलेंस किया है और हम रिजर्व भी बना रहे हैं अपने क्रूड ऑयल का लेकर के। तो शायद हमारे बास्केट के लिए, जो इंडियन बास्केट है, वो थोड़ा सा इसके आसपास ही रहने की उम्मीद है, जो आप कर रहे हैं $85 और $90 के आसपास, एंड वी आर कंफर्टेबल लुकिंग एट द एजम्पशंस दैट वी हैव यूज्ड इन द बजट। और प्रसन्न आपकी हिंदी बहुत अच्छी है,
आप 5.7 मत बोलिए, 5.7% ऑफ द जीडीपी सब लोग समझ रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द कन्वर्सेशन। ये समझना चाहते हैं आपसे एफडीआई की स्थिति, पिछले साल अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो एफडीआई करीब $2 बिलियन का था, इस बार 4.7 है, यानी वो डबल से ज़्यादा हो गया है। ये किस वजह से हुआ आपके हिसाब से, और दूसरा क्या वाकई मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड जो कैंपेन है वो काम कर रहा है? आज हमने देखा विप्रो और जी ने 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया, आप हेल्थ केयर सेक्टर में भी आ रहे हैं वो लोग, तो क्या ये सर पॉलिसीज ड्राइव कर रहे हैं इस एफडीआई इनफ्लो के? एफडीआई फ्लो तो बहुत ज्यादा है, $12 बिलियन के आसपास है। हाँ, एफडीआई इनफ्लो तो है, पर ये भी है कि हमारे जो कंपनीज हैं, भारतीय कंपनीज भी विदेश में निवेश कर रहे हैं, एफडीआई हमारे कंपनीज भी कर रहे हैं। इसकी वजह से जो पिछले क्वार्टर में आप देखे थे कि नेट एफडीआई इनफ्लो करीब $2 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा था, इस बार डबल, आपने जैसे कहा डबल करीबन हो गया, पर असल बात है कि नेट एफडीआई इनफ्लो एक तरफ से, हाँ जी, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बाहर, सही बात है, आ रहा है भारत में और हमारे कंपनीज बाहर। प्रसन्ना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अरुण कुमार गरोड़िया साहब जो कि चेयरमैन है ईपीसी इंडिया के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गरोड़िया साहब बहुत धन्यवाद इकोनॉमी ट्रेन में वक्त निकालने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है सर, और क्या आप लोग ऑन टारगेट हैं? हाँ नमस्कार जी, देखिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट में इंडिया से, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो लास्ट ईयर से ऑलरेडी हम लोग अराउंड 2% प्लस में है, और March 31st में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से जो टारगेट था उसे ऊपर क्लोज करेंगे, और आगे हमारा बहुत हाई टारगेट है 2030 तक $300 बिलियन पे ले जाने का है, तो ये टारगेट हम लोग को लगता है अचीवेबल है, तो काफी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर लेकिन क्या जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं आप वहीं पर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन भी किया है भारत के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के लिए, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं नए मार्केट्स भी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको तो हम लोग छोड़ते ही नहीं है, उसको तो बेस बना के रखते ही है, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। नए नए मार्केट्स में हम लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अभी FTA साइन किया है UAE के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो ये मार्केट बहुत बॉयंट है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा भी जो दूसरे दूसरे FTA चल रहे हैं, जैसे GCC के साथ में चल रहा है, ओमान के साथ चल रहा है, UK EU के साथ चल रहा है, तो GCC में सऊदी अरेबिया तो ये अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ FTA का, इंस्पाइट ऑफ दैट भी ऑलरेडी करीब करीब 40-50% एक्सपोर्ट बढ़ गया। सर लेकिन इंजीनियरिंग विद इन इंजीनियरिंग गुड्स वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर डिमांड ज्यादा है और आपको लगता है कि वहां पर परफॉर्मेंस बेटर होता है, जो आप स्ट्रांग पॉइंट्स हैं ओवरऑल इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के? सर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में देखिए आयरन स्टील प्रोडक्ट्स है, फेरोलाइज है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स है, ऑटो सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल्स है, हमारे मशीनरी के सेक्टर्स है, ये बहुत स्ट्रांग सेक्टर्स है, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, तो इनमें काफी अच्छा काम होता है। और सर हम कितना कॉम्पिटेटिव है विज अदर इकोनॉमीज, और हम क्या कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी इकोनॉमीज के साथ अगर इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स की बात करें, और कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं क्या कि अगर थोड़ा सा आयरन आउट किए कर लिए जाए तो आप लोग और बेहतर कर सकते हैं? हम लोग देखिए पूरी चेष्टा में लगे हुए हैं, काफी कॉम्पीट करते हैं हम लोग, इधर चाइना से भी हम लोग कॉम्पीट करने लगे हैं काफी चीजों के अंदर में जी, जैसे हम मशीनरी में इलेक्ट्रिकल्स में देखेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर में देखेंगे, हम लोग चाइना से भी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो रहा है उस सेक्टर में। कुछ चीजें हैं जैसे यूरोपियन यूनियन CBAM का अभी एक इशू चल रहा है, अभी रेड सी का इशू हुआ, अभी कुछ जोग्राफिकल जो क्राइसिस हो रही है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है या हमास इजराइल का वार हो गया, तो ये सब चीजें थोड़ी बैकडेट जरूर लेती है जी। साइट ऑफ दैट आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट अभी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में करीब करीब 2% ग्रोथ में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार गरोड़िया साहब बात करने के लिए, और आप शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए और इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस आते हैं प्रसन्ना, अब आपसे अंतिम सवाल ये कि जो हम ओवरऑल स्थिति या RBI ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो देश की स्थिति क्या बताते हैं, और कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे इस थर्ड क्वार्टर के इन नंबर्स को जिसमें FDI नंबर्स है, FPI नंबर्स है, फॉरेक्स के रिजर्व्स हमारे बढ़े हैं $33 बिलियन पे आए हैं और ओवरऑल CAD कम हुआ है, कैसे आप समेटेंगे? देखिए हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत कम होने वाला है, और इस क्वार्टर जो है उस पे अगर आप जनवरी और फरवरी के महीने के जो करंट अकाउंट अगर देखे मेरे अनुमान से वो दोनों महीने सरप्लस पे रहा जी,
और मार्च की सरप्लस और ज़्यादा होगी, और इसके इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है, 642 बिलियन डॉलर्स, और मेरे ख्याल में अगले साल और एक चीज़ आ रहा है हमारे जो एक इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है उस पर हम भारत के बॉन्ड्स शामिल होंगे, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा निवेश विदेशी निवेश बॉन्ड मार्केट में आएगा। प्रसन्ना मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा, आपने वक्त निकाला इस खास प्रोग्राम में, और आपने अच्छा याद दिलाया कि जो बॉन्ड मार्केट है केवल एक एक्सचेंज नहीं, बहुत सारे दूसरे एक्सचेंज भी हैं जिन पर बॉन्ड हमारी लिस्टिंग होने जा रही है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, नमस्कार। और इकोनॉमी टुडे में अब वक्त हो चला है बिजनेस रैप का, और अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में, लेकिन उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि नेफेड और एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वजह से मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट के बीच ये कदम उठाया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने प्याज निर्यात पर लागू प्रतिबंध को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले प्याज निर्यात पर रोक 31 मार्च 2024 तक वैध थी। YouTube ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारत से 22.5 लाख वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। ये कार्रवाई वर्ष 2023 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच की गई। इस सूची में भारत शीर्ष पर है। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस एनफोर्समेंट रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर इस अवधि में 90 लाख वीडियो हटाए गए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने शाहपुरजी पोलोनजी ग्रुप और उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड से ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट्स में 95% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ये अधिग्रहण 3,350 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर किया गया है। गौरतलब है कि गोपालपुर पोर्ट्स में शाहपुरजी पोलोनजी ग्रुप की कंपनी एसपी पोर्ट मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड की 56% हिस्सेदारी है और उड़ीसा स्टीवडोर्स लिमिटेड की 44% हिस्सेदारी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल के मुताबिक पिछले कुछ महीनों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ कंपनियों पर की गई नियम की सख्ती से 2024-25 में भारत में ऋण वृद्धि में कमी आ सकती है। एजेंसी ने कहा है कि नियामक कार्रवाई से कुल मिलाकर व्यवस्था में कामकाज को लेकर विश्वसनीयता बढ़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक को ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिपो नीलामी की 1 लाख करोड़ रुपए अधिसूचित राशि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए की बोली मिली है। केंद्रीय बैंक ने 6.73% भारित औसत के दर पर 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100/2024 की रिपोर्ट के मुताबिक LIC का ब्रांड मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर बना हुआ है। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर 88.3 और संबंध AAA ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग भी है। बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी यानी सरेंडर करने से जुड़ा नियम भी शामिल है। इसके मुताबिक बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा करना होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। इंजीनियरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टूब्रो का कहना है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 7500 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि ये रकम बाह्य वाणिज्यिक उधारी सावधि कर्ज गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र या अन्य प्रतिभूतियों के जरिए जुटाई जाएगी।